बहुत से लोग बोल रहे थे कि घेवर की रेसिपी शेयर करिए, तो मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लाई हूँ। एकदम जालीदार परफेक्ट घेवर हम बनाए हैं, वो भी घर में पहली बार हम बनाए हैं, एकदम मलाई वाली घेवर। और इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और इससे पहले आपने कभी घेवर नहीं बनाया है तो फिर भी आप इस तरह घर में बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा घेवर। घेवर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कप घी लिया है, आप 4 चम्मच घी ले लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ बर्फ़ के गोले से इस तरह से सिर्फ 2 मिनट के लिए आप लोग ऐसे करेंगे तो इस तरह ये मक्खन बन जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से ये हो गया है। ये देखिए अब इस तरह मक्खन जैसे इसे फेंटते रहेंगे। और वीडियो पे बने रहिएगा, आगे मैं आपको सारे मेजरमेंट बताते रहूँगी। अब क्या करेंगे कि इसी तरह एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू चलाते रहेंगे, ये खुद सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत कोई इसे मिक्सर में इसे फेंटते हैं, पर आप यकीन मानिए ये हाथ से भी बहुत सॉफ्ट, ये क्रीमी जैसा हो सकता है। ये देखिए आपको हम सामने से दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से ये 2-3 मिनट में एकदम क्रीमी हो गया। और यहाँ पर हम 1 कप मैदा लिए हैं, इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे। और 1 कप हम दूध भी लिए हैं, तो थोड़ा मैदा डालेंगे और थोड़ा दूध डालेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। कभी इधर से कभी उधर से नहीं फेंटिएगा, नहीं तो ये ठीक बैटर नहीं बनेगा। तो एक ही डायरेक्शन में बार बार इसे फेंटना है कंटिन्यू। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और फिर वही थोड़ा दूध लेंगे। और मैंने आपको बताया है 1 कप ही मैदा लेना है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे अच्छे से। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में इसे देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे, बहुत सा सॉफ्ट सा बैटर बन के ये तैयार हो जाएगा। इसे ऐसे ही चलाते रहिएगा कि कोई लम्स ना आए। और हाँ, दूध जो डालिएगा बिल्कुल ठंडा डालिएगा, आप पानी भी यूज कर सकते हैं, तो पानी भी यूज करिएगा तो ठंडा रहना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर हम 3 बार इस तरह से करके इसे एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू बार बार इस तरह से चलाए हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, कोई भी लम्स नहीं, एकदम परफेक्ट सा ये बैटर बन के एकदम तैयार हो गया। ये देखिए कितना क्लीन एकदम निकल रहा है, बहुत अच्छा बन गया। ये हलवाई होते हैं ना, वो इसमें थोड़ा सा ना बेसन ऐड करते हैं, तो बेसन ऐड करने से थोड़े घेवर कुरकुरे बनते हैं। तो इसमें हम बेसन ऐड नहीं करेंगे, बिना बेसन का बनाएंगे और परफेक्ट एकदम कुरकुर बनेगा। आपने शुरू में देखा होगा इसका आवाज़ बहुत ही क्रंची घेवर बनके हम तैयार किए थे घर में। हम 1 कप पानी डाले थे, वो भी ठंडा, इस तरह से पतला बैटर इसका हम बना लिए थे। क्या करेंगे कि बैटर को छान लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो भी छोटे मोटे कण हो ना वो एकदम हट जाए एकदम, क्योंकि एकदम पतला सा बैटर हमें चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम छान लिए हैं इसको, अब से थोड़े मोरे लम्स हो गए होंगे तो इस तरह से छान लेंगे तो एकदम परफेक्ट बैटर बन जाएगा। अब 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे, ठंडा रहना चाहिए इसलिए। फिर यहाँ पे तब तक हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं। तो जितना 1 कप हम मैदा लिए थे उतना ही 1 कप हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। तो आप 2 कप मैदा लेते हो तो आप 2 कप चीनी डालिएगा, तो इस मेजरमेंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम 1 कप चीनी लिए थे, फिर पानी डाले थे 1 बड़ा गिलास से, फिर इसे चाशनी बना लेंगे। इस तरह से चाशनी होना चाहिए, ये जो तार बनता है ना बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो हमारी चाशनी बन गई है। अब हम यहाँ पर रबड़ी भी बनाएंगे दूध से, मात्र 10 से 15 मिनट बन के ये तैयार हो जाती है रबड़ी। तो यहाँ पे हम 1 कप मिल्क पाउडर ऐड किए हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें से डालेंगे और इसे ऐसे चलाएंगे क्योंकि लम्स ना पड़ जाए इसलिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर फुल फैट वाला दूध लिया है, अब इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। मिल्क पाउडर डालने से हमारी जो ये रबड़ी है ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको मिल्क पाउडर के बिना आपको रबड़ी बनानी है तो 1 किलो फुल क्रीम वाला दूध से लो फ्लेम पे करके रख देंगे तो आपकी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब क्या करेंगे कि ये आइस क्यूब लेंगे, बहुत सारे 5-6 ले लेंगे। ये बाउल में सारे बर्फ़ को हम डाल देंगे और हम यहाँ पर ठंडा ठंडा एकदम पानी ऐड कर रहे हैं।
इस तरह से बनाइएगा। घर में घेवर बहुत ही जल्दी बन जाती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बन के ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हम ठंडा पानी डाल दिए हैं, फिर ये जो बैटर था ये फ्रिज से हम निकाल के फिर भी इसके ऊपर हम रखे हैं, क्योंकि बैटर हमारा ठंडा रहना चाहिए। इस तरह से ये देखिए, इस तरह इसे बार बार अच्छे से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका बैटर रहना चाहिए। अब क्या करेंगे कि बाउल में एक तेल गरम करेंगे, फिर इस तरह से एकदम हल्के हल्के से 2-3 बूंद करके डालेंगे। और तेल हमारा गरम रहना चाहिए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये खुद अपने आप साइड होते जाएगा, तो आप इसे कुछ मत करिएगा, ये खुद हो जाएगा। तो ये देखिए, एकदम थोड़ा थोड़ा देना है। फिर इस तरह से कोई आपके पास सामान हो लकड़ी का, तो उस तरह से इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिएगा। बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर बनके ये तैयार हो जाता है। बस कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, अब बहुत मज़ा भी आ रहा था बनाने में। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन पे ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा भाइयों लोग को खुश करने के लिए। तो ये मिठाई ज़रूर बना के खिलाइएगा, तब आपको अच्छा अच्छा दक्षिणा मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, हलवाई लोग बना लेते तो आप लोग भी ज़रूर बना सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। फिर इस तरह से ये देखिए, हम नाइफ से ही इसे कर लिए थे, ये बहुत ही अच्छा जालीदार घेवर बन के हम तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इसे बटर पेपर के ऊपर रख दी कि सारा ऑयल एक्स्ट्रा निकल जाए। यहाँ पे अब हम दूसरा घेवर बना रहे हैं, इसी तरह उस इसमें भी कर रहे थे। ये देखिए, आपको हम सामने से दिखा रहे, एकदम 2-3 बूंद कर करके देना है, ये खुद अपने आप शेप ले लेगा। पहली बार हम बनाए थे घर में और बहुत अच्छा बना था ये घेवर। ये देखिए, ये दूसरा घेवर है, इसमें भी बहुत अच्छा जालीदार बन के तैयार हो गया। ये बहुत सारे स्टैंड पे भी बनता है, तो आप लोग इस तरह से भी बर्तन में बना सकते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट एकदम लग रहा है देखने में, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है कि हाँ, पर पहली बार में ही परफेक्ट बन गया। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो मेरी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये हम चाशनी जो बनाए थे, उस तरह से हम चाशनी को लगा दीजिएगा पहले, और फिर यहाँ जो मटरी बनाए थे वो भी इस तरह से अच्छे से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मार्केट जैसा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हुई कि पहली बार में ये परफेक्ट बन गया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। पिस्ता बादाम और गुलाब की पंखुड़ियों से इसे हम सजाए हैं, ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी था। कुछ सामानों का ध्यान रखेंगे, मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे। 1 कप मैदा लिए तो 1 कप चीनी लेंगे, बूंद बूंद करके डालेंगे, तो आपका भी ये घेवर आप लोग बना सकते हो, मलाई वाली घेवर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।